सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। 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 सब जग फिर मैं देखिया, सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। गुर शब्दी हर मन वसै, हर सहजे जाता। गुर शब्दी हर मन वसै, हर सहजे जाता। गुर शब्दी हर मन वसै, सब तक फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। अंदरों कृष्णा अग्नबुरी, हर अमृत सर नाता। अंदरों कृष्णा अग्नबुरी, हर अमृत सर नाता। अंदरों कृष्णा अग्नबुरी, सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। वड़े आई वड़े की गुरमुख बोलाता। वड़ी वड़े आई वड़े की गुरमुख बोलाता। वड़ी वड़े आई वड़े की, सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता।
फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता। वटे वटे आई वटे की गुरमुख बोलाता, वटे वटे आई वटे की गुरमुख बोलाता, वटे वटे आई वटे की सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखया हर एक को दाता। मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरज नावा, मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरज नावा, एक शब्द में प्राण बसत है बहुत जन्म आवा, एक शब्द में प्राण बसत है बहुत जन्म मन बेदया दयाल से ती मेरी माई, दयाल से ती मेरी माई,
मन गे दयाल से ती मेरी माई, दयाल से ती मेरी माई। कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। गुणगावा नित तेरे, अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। जल थल कट कट जोत तुम्हारी, जल थल महील पर पुरलीना, कट कट जोत तुम्हारी। गुणगावा नित तेरे, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। गुणगावा नित तेरे, जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। गुणगावा
मन बे दयाल से ती मेरी माई, दयाल से ती मेरी माई। मन बे दयाल से ती मेरी माई, दयाल से ती मेरी माई। कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाने साहेबा। गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाने नहीं।
तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे ने जम नहीं आवे ने जम नहीं आवे ने सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा सतगुर का दिलासा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा आठ
आठ पहर आराध है आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है तेरी शरण पंच दोस्त ले साथ पंच दोस्त ले साथ जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी ज्ञान किच कर्म न जाना ज्ञान ज्ञान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी जिन कल राखी मेरे जिन कल राखी मेरी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर बोल न जाने माया मद माता बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे मरना चीत न आवे मरना चीत न आवे मरना चीत न जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा कैसी पुकार
लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसया इच्छा पूरत रखे निदान, इच्छा पूरत रखे निदान, रखे निदान, रखे निदान। तू मेरो प्यारो ता कैसी, साचे साहिब तेरा सच फुरमान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान, सच फुरमान, सच फुरमान। तू मेरो प्यारो ता कैसी, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा।
हर गुण गा तेरे कर सदा सदा है दिया हो तेरे कर सदा सदा है दिया हो सदा है निया सदा है निया तू मेरो प्यारो ना कैसी I'm
परमेश्वर मारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जल की पैज रखी करतारे जल की परमेश्वर मारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे जन की पैज रखी करतारे जन की पैज रखी करतारे जन की पैर रखी करतारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे सतगुरु तुम रे काज सारे सतगुरु तुम रे काज सारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे बादशाह शाह सब वस कर दीने बादशाह शाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने बादशाह शाह सब वस कर दी शाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे निरपौ होए पजो भगवान निरपौ होए पजो भगवान साध संगत मिलकी नो दान साध संगत मिलकी नो दान निरपौ होए पजो भगवान निरपौ होए पजो भगवान साध संगत मिलकी नो दान साध संगत मिलकी नो दान साध संगत मिल की नो दान साध संगत मिल की नो दान
कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे खीर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे सतगुरु तुम रे काज सारे सतगुरु तुम रे काज सारे खीर कर बैसो हर जन हर जन प्यारे हर जन प्यारे शरण परे प्रभ अंतर जामी शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी शरण परे प्रभ अंतर जामी शरण प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी 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 थिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे सतगुरु तुम रे काज सवारे सतगुरु तुम रे काज हर जन प्यारे हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे हर जन प्यारे वाहेगुरु सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुरु होए दया ना कबहू चोरी है सतगुरु होए दया ना कबहू चोरी है सतगुरु होए दयाल सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबहू चोरी है सतगुरु होए दयाल ना कबहू चोरी है सतगुरु होए दयाल ता शरदा सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है।
गुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए। सतगुरु होए दयाल ना कबहु चूरिए। सतगुरु होए दयाल ना कबहु चूरिए। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए। सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के हा। सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के हा। सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल ता शरदा गुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है। सतगुरु होए दयाल ना कबहु चूरी है। सतगुरु होए दयाल ना कबहु चूरी है। सतगुरु होए दयाल ता शरदा दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए। सतगुरु होए दयाल ता हर
हर रंग माणिए सतगुरु होए दया हर रंग माणिए सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ता नवनिद पाए सतगुरु होए दयालता नवनीत पाए सतगुरु होए दयालता सच समाए सतगुरु होए दयालता सच समाए सतगुरु होए दयाता सच समाइए सतगुरु होए दयालता शरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता शरदा पूरिए सतगुरु होए दयाल ना कबहु सतगुरु होए दया ना कबहु चूरिए सतगुरु होए दयालता शरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता शरदा पूरिए सतगुरु होए दया ना कबहु चूरिए सतगुरु होए दया ना कबहु चूरिए सतगुरु होए दयालता शरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता शरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता शरदा जय गुरु जी शुभकामना गुरु जी टुडे वी ऑल गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ माय फादर एंड ऑनर हिज लाइफ एंड टू से शुक्राना टू गुरु जी फॉर गिविंग हिम सच अ ब्यूटीफुल लाइफ माय फादर भारत भूषण भाटिया जी जो गुरु जी के भाटिया अंकल नाम से जाने जाते हैं और गुरु जी के बहुत ही प्यारे और भोले भक्त हैं तो एवरीवन सेड के यू शुड प्रिपेयर अ स्पीच टू शेयर टुडे एंड ऑनेस्टली आई जस्ट कुड नॉट आई वाज लाइक आई कांट डू इट आई जस्ट स्पीक फ्रॉम माय हार्ट सो एनी कोई गलती हो जाए तो मैं माफी चाहती हूँ माय फादर ही वाज For any child, their father is a superman. You think that he's the most wonderful person in the world. And as a child, you're like, you know, my father. He taught me how to walk. He taught me how to swim. He was such a beautiful person. But you realize that it's not just you who felt that way, but thousands and thousands of people. For the last few days, we've been so overwhelmed. इतने लोग उनको इतना प्यार करते थे कि इट इज जस्ट सो इट्स बीन सो ओवरवेलमिंग फॉर अस एज अ फैमिली दैट इट्स नॉट ओनली अस हु फेल्ट दैट वे बट एवरीवन हुज लाइव्स ही टच्ड द वर्ड्स दैट वी हैव बीन हियरिंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज ही वाज सेल्फलेस मैन ही वाज सच अ लविंग मैन सच अ ब्रेव मैन हु ऑलवेज पुट You know, others and before himself, he was such a clear-hearted person. He was always, हर एक दूसरे की सोचते थे.
उनको चाहे उस बंदे से चाहे वो मिले ना हो, या 1 मिनट के लिए भी वो मिले हो, या दिनों से हफ्तों से सालों से जानते हो, उनको सबकी चिंता रहती थी। He was so concerned about everyone that he knew. कि हमें तो इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगता था कि हमारे लिए कंसर्न है, परिवार वालों के लिए कंसर्न है, लव वंस के लिए कंसर्न है, बट इवन फॉर पीपल ही जस्ट कम अक्रॉस और इवन हर्ड ऑफ कि समवन्स इन ट्रबल, ही वुड जस्ट कीप आस्किंग अबाउट देम कि हाउ आर दे डूइंग, हाउ आर दे गोइंग, आर दे ओके, कि डू दे नीड एनीथिंग। सो आई वुड से इफ आई कैन इवन बी 1% ऑफ पापा, would consider that an achievement in my life. When we were young, Dad gave us so much time. Like Papa was such a wonderful, wonderful, beautiful soul. We have such wonderful memories with him. Every evening we would sit together and he would tell us about his childhood. He would tell us what sort of person to be. जो वो बातें हमको बताते थे वो हमेशा यही कहते कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दिखायो ना। दैट वाज द मोटो ही लिव्ड बाय। ही वाज लाइक किसी की हेल्प कर सको तो करो, बट किसी को हर्ट या हार्म ना करो। ही वाज सच अ पर्सन कि वो किसी फ्लाई को भी ना हर्ट कर पाए, किसी को भी ना दुख दे पाए वो। लाइक ही वो खुद सबकी प्रॉब्लम्स को अपना मानते थे। सो व्हेन ही वुड ऑफन Tell me, okay, when you were born, beta, I was hoping to have a girl, and I was over the moon. Okay, मैं बहुत खुश था कि हमारे घर में बेटी आई है. And कहते हैं कि काफी लोग खुश नहीं थे इस बात से, जैसे अनफॉर्चुनेटली होता है कई घरों में. But he's like, I was so proud that God has given me a daughter. एंड ही इज लाइक, मैंने उस दिन ठान लिया था कि ये लड़की बड़े होके डॉक्टर बनेगी और पूरे परिवार का नाम प्राउडली रोशन करेगी. एंड उनको बचपन से ही एनकरेज मी टू स्टडी एंड वर्क हार्ड एंड सीइंग हिज वर्क एथिक. ही सेड ही दैट हिमसेल्फ एज एन एग्जांपल. आई सॉ हिम वर्क सो हार्ड लाइक running a business and being a boss. He was the first person to be there before even his employees showed up. And he used to work non-stop. He never took a sick day. मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना कि मेरी तबीयत खराब है या मुझे आज काम पे नहीं जाना या मुझे ऐसे नहीं करना. चाहे वो कितने भी तकलीफ में हो, he would never ever complain. So that's one thing I've learned from him कि किसी को तकलीफ मत दो, किसी नेवर नैग और कंप्लेन. एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एट दैट, आई एम नोवेयर नियर हिज लेवल, बट द थिंग्स दैट ही हैज टॉट अस, एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैज स्पॉइल्ड अस क्वाइट अ बिट, बिकॉज़ ही हैज ऑलवेज बिलीव्ड कि इन द एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. की लाइक वो कहते कि औरतों को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, एंड ही हैज ऑलवेज एनकरेज्ड अस टू डू दैट. And unfortunately, we go out in the world, we realize not everyone thinks that way. So we're just so used to being thinking, huh, you know, as women, we can do anything. Because that's the backing and the strength he's given us. कि मम्मी को लेके, मेरे घर को लेके, मेरी ब्यूटीफुल भाभी को लेके जो घर की बेटी है, और अभिषेक को लेके. ही इज लाइक, यू नो, वुमेन कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. एंड वुमेन कि कभी किसी को अपने किसी कम मत सोचो, ये मत सोचो कि आप ये नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो. सो विद हिज सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट आई वाज एबल टू फुलफिल हिज विश टू बिकम अ डॉक्टर. एंड व्हेन आई एंटर इनटू डेंटिस्ट्री, मम्मी बताती थी कि वो हर जो भी कोई उनको डेंटल क्लिनिक दिखता था, बाहर खड़े होते थे, मुझे कहते थे एक दिन मेरी बेटी का भी क्लिनिक होगा, उसका भी नाम होगा एक बोर्ड पे. तो वो भी गुरु जी की मेहर से 2021 में वो पूरा हुआ. एंड आई फील सो ऑनर्ड कि आई वाज ही वाज एबल टू कम एंड सी दैट, बिकॉज़ इट वाज लाइक मी फुलफिलिंग हिज ड्रीम, हिज विश. एंड I honestly am at a loss for words because
He was such a wonderful, clear-hearted, brave person, always putting duty and others before himself. So, Papa, it's an honor and a privilege for me that God chose you as my father. I have not been able to express it enough, but hopefully, मुझे पता है कि आप ये सब देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं अब तक यही कहना चाहती हूँ कि Thank you so much, Papa, for supporting us and being a pillar in our life and giving us the strength to carry on your legacy with, you know, such a beautiful family that you have ensured that, you know, with the values that you've given us, that we've got such a beautiful family and such a beautiful extended family of loved ones and friends jo hamare saath aaj khade hain. It's all because of your guidance, Papa, and it's all because of the love that you showered upon everyone you came across. Unko kabhi man mein kisi ke liye bhi zara sa bhi kuch kabhi unko koi bura thought aaya hi nahi. Unko hairani hoti thi ki koi aise kyun kisi ko hurt karta hai, koi aise kyun kisi ko harm kar sakta hai, kyunki unke man mein बिल्कुल ऐसा कभी कुछ किसी के लिए नहीं था. तो हम सरप्राइज होते थे कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हाउ कैन वी हार्म और हर्ट अनदर ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग वाज बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन. एंड हिज डिवोशन फॉर गुरुजी इज एन एग्जांपल. इतना इतना गुरुजी से कनेक्शन, उनको गुरुजी के अलावा कोई बात करने ही नहीं सोचती थी उनको, चाहे गुरु जी को मानता है नहीं मानता वो शुरू हो जाते थे. बिकॉज दे वर लाइक आई वांट टू हेल्प दिस पर्सन टू नो अबाउट गुरु जी एंड गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु जी फॉर दिस पर्सन. तो उनका हमेशा यही मकसद रहता था कि सब ब्लेस हो जाए, सबकी लाइफ अच्छी हो जाए, सबको तरक्की मिले, सब खुश रहे. वो हमेशा ये कहते थे बेटा खुश रह करो, कोई भी तकलीफ आए लाइफ में तो बस गुरु जी की तरफ देखो, गुरु जी ने ही आपको होना है, गुरु जी ने ही आपको हेल्प करनी है और गुरु जी ही आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे. और देखना बेटा कि तुम्हारी लाइफ आगे इतनी अच्छी होगी कि तुम याद रखोगे कि गुरु जी की कई भी एक एक बात पत्थर की लगी. उसी डायलॉग गुरु जी की कई भी बात पत्थर की लगी. गुरु जी तो कल्याण करना ही करना है और उनका वेरी फेमस डायलॉग मेरी गारंटी है. तो वो गारंटी लेते थे, कहते मैं गारंटी लेता हूँ कि गुरु जी ने हर एक का कल्याण करना और हर एक का ध्यान रखना. तो he was such a, he was so proud and so, you know, he felt such pride in having guru ji in our life. कि कई बार हम मजाक में उनको कहते थे पापा आप गुरु जी के तालिबान हो, आप हरे पर गुरु जी को मानो, गुरु जी को मानो. कोई जो गुरु जी में नहीं भी बिलीव करता वो कहते नहीं नहीं हमारे गुरु जी है, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम ठीक करेंगे. एंड आप आओ आप गुरु जी को मांगी. एंड आप नहीं पापा में भी मैं रहूंगी नहीं, हर एक अपनी वो होती है. नहीं 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 उसको नहीं पता गुरु जी, गुरु जी विल डू दिस फॉर हिम, गुरु जी विल एंड मेरी गारंटी है उसके पापा. इट्स फाइन सर. And I think Guru, and he was always, इतने टाइम से मैं तो बस गुरु जी के पास जाना है, मैं तो गुरु जी के साथ मौज करनी है, मैं तो गुरु जी के पास बैठना और मैं तो शिव नगरी में जाना है, गुरु जी ने मुझे बोल रखा है एंड मैं तो वेट नहीं कर सकता. एंड लाइक पापा अभी होगा लाइक नहीं, मैं तो बेटा बहुत इंजॉय किया लाइफ में, तो सब सब देखा है, सब किया है, मुझे तो बस गुरु जी के पास. And he, and we're like, Papa, there's so much yet. And but to be honest, he lived his life to the fullest. He lived his life king size. He used to enjoy book, and I think he lived each day as his last. वो कभी कोई कहते थे आज जो तुम कर सकते हो करो, and never hesitate. And किसी चीज की भी चिंता मत करो, बस खुल के जियो, खुश रहो, ऐश करो. And again, I'm repeating his favorite dialogue. Khao piyo aash karo mitro, dil par kisi da dukhayo na. So I would say thank you, Guruji, for giving me the privilege of being born as his daughter and having such a wonderful father.
And I would say this on behalf of, you know, my entire family, that we are so blessed to have someone like him as part of our family, always a smiling face, always joking. I think hum sab aise hi ho gaye, hum itna mazak karte hain, hanste hain, khelte hain. Unko usse bahut khushi lagti thi, unko itna acha lagta tha jab se mil ke family mil ke friends mil ke gappe maar rahe hain, hans rahe hain, khel rahe hain. He was the happiest when it came to that, and I think that's what he would actually want us to keep doing. कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलके हर खेल के आगे he would just be enjoying watching us do that. So with Guruji's grace, I hope we are able to, you know, keep him happy, seeing how we go and never let him down. And on behalf of my family, my brother, my amazing, wonderful brother, Rachid, and his amazing, beautiful wife, my Bhabhi, who's a sister more than my Bhabhi, and my mom, who's been a pillar. And I would say that aisi chemistry or tuning maine kisi couple mein, chahe wo COVID ki wajah se and previous circumstances ki wajah se, they were not in the same country even. But their understanding and their chemistry, I think, is an example for everyone that's how a married couple should really be like. The trust, the faith, the understanding, how they stood together as pillars for their children. And that's what we are so thankful to Guruji for. That humko itne pyara parivar di, to iske liye hum shukrana ke log aur humare paas kuch hai. So thank you so much, Papa, for being a part of our lives, and we love you so much and we miss you so much. And I know you're watching us, and he hated to see any of us cry. Okay, kya shakal bana rakhi hai, ek karo apni shakal, so isliye please ab rona nahi hai, ab we just need to bring our smiling faces and laughing faces. And he would absolutely love that. So, Jai Guruji. Riti Aunty would like to share a few words. Jai Guruji, Shambhaji, Shubhrana Guruji. That was a very heartfelt Shradhanjali Bhavna Aunty. The only thing I know of BDS is Bhakti Dandyana Sarvanash, which he would just continuously say that for you. I read this quote somewhere that says that greatest tragedy in life is not death, but rather living your life without a purpose. And Bhatia uncle, as if I know him since 5 years, since we shifted to Gurgaon and we share the same wall, he had a purpose to sing praises of Guruji all the very time. Kabhi kuch stress mein hai, Guruji sab theek kar denge. Koi achhi news hai, dekha, Guruji ne tuhanu bless karta. और हर टाइम यही बोलते थे, आंटी तो आपको बड़ा ब्लेस करता है, साढ़े नाल कोठी लेके देती है. इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, फॉर आई वुड हैव लव्ड टू शेयर सत्संग्स विद पार्टी अंकल, बट टुडे आई एम पेइंग श्रद्धांजलि टू हिम. वी वर वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड दैट ही हैड हिज लास्ट डिनर एट आवर प्लेस, एंड दैट टू व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम हिज यूजुअल वॉक विद माय पापा, विद माय फादर इन लॉ. And I kind of met him at gate and I insisted, Uncle, aaj aap dinner mere saath karoge. And he never said no. I have never heard him saying no for anything. And he said, okay. But then he said, nahi, bachche wait karte hain. Matlab bachche to wait karte hain, but today you have to have dinner with me. And I insisted and he came. And I think for 2-2.5 hours, we just shared satsang. And in the end, before leaving, while serving him Gajar Ka Halwa, which I just made that very moment, and after beating him that, and I told uncle, बहुत परेशान रहती है कि नहीं आंटी, आप अपने चेकअप कराओ, because आप बहुत ब्रेथलेस हो रहे हो काफी दिन से. And he said कि मैंने गुरुजी ने आंटी बहुत ब्लेस करता है, मैं जब जाऊंगा एंड जाऊंगा. And actually it happened, but then we all know that जिसके सिर ऊपर स्वामी सो दुख कैसा पावे. Next day, Thursday, which was the day he fell, he had a stroke. That same afternoon, he had lunch with my father-in-law at club, which was a very strange
thing because Papa never takes off from his office. He's a typical businessman who would never miss a day. But that day, Papa decided ki aaj main ghar aunga, main bhaji uncle ke saath lunch par bhi jaunga. And they went to club. And before leaving, he was continuously teasing me ki the auntie and Suraj Maharaj Suraj nahi aaya. And I was checking my app. And I said, uncle, aap to bata rahe hai ki itni der mein aayega, 12 baje aayega, 5:30 baje aayega. They went, they came back. And then I met him at gate. That very moment, I said, Riti aunty, toda app fail hai. Aaj Suraj Maharaj bhi nikla. Little did I know that, you know, some people are like sun in our life. They radiate so much warmth and so much happiness. Ki shayad the sun was playing cold that day. Sun knew that he was going to take away the most beautiful soul under his abode. Goodbyes are only for those who love with their eyes. But for those we love with our heart and soul, we never use a word separation. So I'll just conclude that, uncle, you'll be missed. You'll be immensely missed. And I'll always miss seeing you sitting in the balcony and speaking to me throughout the day. And may you keep blessing us always. Jai Guruji. Manjot, uncle. जय गुरु जी. मैं अब करीब करीब 6 साल से अंकल को जानता हूँ और मैं बस थोड़ा ही बोलूंगा अंकल की अच्छी अच्छी बातें. अंकल और मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया जब आंटी और भावना बाहर गए थे तो मेलबर्न में सत्संग होते थे तो घर पे सत्संग करते थे और मैं अंकल को देखता था कि अंकल सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, इतने बीमार रहते थे, फिर भी सत्संग करते थे क्योंकि आंटी को सत्संग करने नहीं देते थे. जब आंटी गए हुए थे अंकल खुद ही सत्संग करते थे तो अंकल को छेड़ते थे, आपकी वीडियो बना के आंटी को भेज देंगे. और वो अपने कर्म के पक्के थे, उनमें उनमें हर वो खूबी थी जो एक इंसान में होनी चाहिए. वो मेरा वहाँ पे बिजनेस है, वो मुझे बिठा के मैंने नया बिजनेस किया था. आंटी भी करते थे, अंकल भी करते थे, उनको सुबह खुश रहते थे, बहुत खुश रहते थे. उनकी मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊंगा. जैसे भावना ने कहा कि वो गुरु जी के तालिबान थे तो हम एक बार गए शिवपीठ है मेलबर्न में, तो मैं आंटी मेरे माता जी भावना अंकल हम वहाँ गए और हम वहाँ शिवपीठ में जाके बैठ गए. मिट्टी का शिवपीठ है और वहाँ का शिवलिंग भी है. और इतने में इस्कॉन वाले आ गए और उन्होंने ढोलकी निकाली, हारमोनियम निकाला और शिवलिंग के आसपास बैठ के हरे राम हरे कृष्णा के भजन करने लगे. मैं भी करने लगा तो अंकल ने उनकी तरफ देखा और जब उन्होंने ब्रेक ली तो मुझे और भावना को मौका नहीं दिया और उन्हें कहते हैं कि क्या कर रहे हो तो वो कहते हैं कि भजन कर रहे हैं. तो कहते शिव जी भगवान बैठे हैं, आप राम कृष्ण क्यों कर रहे हो? तो कहते जी वो राम जी इन्हीं के ईस्ट थे. तो अंकल अपना लॉकेट निकाला, कहते मुझे ईस्ट वेस्ट नहीं पता, ये मेरे गुरु जी है, सबके बाप है. तो हमने अंकल को वहां से उठाया और अंकल कहा मानते मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी. और फिर हम अंकल को वहां से लेके आए. और एक बहुत प्यारी बात कि एक गुरुजी के दोस्त थे, टेस्ट नहीं कहूंगा, स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे क्लास में, 6th क्लास से लेके कॉलेज तक. वो सरदार जी हैं पंजाब से मलेरकोटला से और वो गुरुजी के साथ ही रहते थे. और उन्होंने हमें बताया जब अंकल को मिले कि वो जब गुरुजी ने उनको खुद बुलाया अपने दोस्त को और जब वो गुरु जी से मिलके गए कई दिनों तक उनको खुशबू आती है गुरु जी की, लेकिन उन्होंने गुरु जी को कभी माना नहीं. तो उनकी बेटी मेलबर्न में रहती थी, उनकी बेटी के बेटी हुई, उनकी पोती हुई अंकल की, और उसकी 4-5 साल उम्र हो गई थी, वो बोलती नहीं. तो अंकल ने कहा कि इसको गुरु जी का लोटा, मैं गारंटी देता हूँ ये बोलेगी. तो अंकल ने लोटा ब्लेस करवा के भेजा, भूले नहीं. और लास्ट समय तक जब तक भी मेरी अंकल से बात हुई, अंकल कहते
उनकी बेटी बोलने लगी कि नहीं, उनको वो जानते नहीं थे। मैंने उस फैमिली को, हालांकि हमारे उस फैमिली से बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत पुराने 3 जनरेशन के रिश्ते हैं, लेकिन मैंने एक बार उन्हें कहा कि लोटा ले जाओ, वो नहीं लेके गए। मैंने दोबारा नहीं कहा, मैं तो अंकल की 1% भी नहीं, लेकिन अंकल नहीं भूले। कोई बंदा उनको जानता नहीं है, उस बच्ची का नाम नहीं पता, अंकल हमेशा पूछते थे जो तुमने उनको लोटा लिया, उनकी बेटी बोलने लगी हर बार मेरे बेटे के बारे में, सबके बारे में, उस सबकी फिक्र रहती थी। हंसते रहते थे, चढ़ती कला में रहते थे, खाते पीते रहते थे, आंटी डांटती रहती थी फिर भी खाते पीते रहते, और यही उनकी जिंदगी थी, हंसना खेलना पॉजिटिव रहना। बीमार थे, कभी मुंह पे नहीं आता था कि बीमार थे, हालांकि उनकी शक्ल से लगता था कि ये बहुत बीमार है, डर जाते थे कभी कभी कि अंकल, लेकिन उस बंदे ने कभी माथे पे शिकन नहीं डाली, खुश रहे, चढ़ती कला में रहे। और अब मैं यही कहूंगा कि खांदे पींदे आए सज्जन थे, खांदे पींदे गए सज्जन, खाते पीते चले गए और खुश रहे। और मैं सबको यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज आप रोए मत, उनको रोना पसंद नहीं था, उनको गुरु जी के पास जाना चाहते थे। रचित मुझे कह रहा था कि उनको फ्यूनरल पे नहीं लेके जा सकते थे, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे गुरु जी को कोई मानता कि नहीं, मुझे भी बात का पता है, उनको कुछ बता नहीं सकते थे। वो सबको कहते थे कि छुट्टी हो गई, मुक्ति हो गई, गुरु जी के पास चला गया, तो वो खुश हैं, हमें पता है उनकी जिंदगी कैसी थी। तो बस यही कहना चाहूंगा, प्लीज अभी मैं रविंद्र भाटिया अंकल को बुलाऊंगा और उसके बाद भाटिया आंटी फाइनली सबसे अंकल की लाइफ के बारे में और सत्संग शेयर करेंगे, ऐसे उनकी गुरु जी ने ड्यूटी लगाई है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जिसके सिर बट्टू स्वामी वो तुम कैसे अपना। इट वॉज 7th and 8th March 2018 2018 मार्च 7-8 हम फैमिली के 20-25-30 लोग गोवा में स्टार्ट, सारे मेन मेंबर्स एंजॉय कर रहे थे। इतने में मेरी सिस्टर को मुझे फोन आता है कि पप्पू भावना की लाइफ में ये गड़बड़ हो गई है। She was crying. The moment I listened that, I was crying. I started crying. And I'm seeing Mr. B.B. Bhatia, my brother-in-law. 5-6 लोगों के संग बैठ के, संग में रचित भी था, संग में और कई लोग थे फैमिली के, 5-6 लोगों के संग में बैठ के he was taking beer and he was cracking jokes, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। She told me कि भावना की जिंदगी में ये गड़बड़ हो गई है। वो रो रही थी, मैं रो रहा था, मुझे लगा कि क्योंकि परिवार की बात है तो इस तरह से कॉमन नहीं की जाती, जनरली बताई नहीं जाती, तो मैंने जीजाई को अकेले में बुलाया। फिर आई टोल्ड हिम, यानी कि आपको पता है कि भावना के संग ये गड़बड़ हो गई है। देन ही सेड, हाँ मैंने पता, मैं तुम फिर भी हंस रहे हो, कह रहे गुरु जी जो कर रहे हो ठीक कर रहे हैं। आई सेड, आर यू मैड? आई वॉज क्राइंग। आई सेड, आर यू मैड? ही सेड, नहीं, जो गुरु जी कह रहे हैं बहुत चुप रहे, जो गुरु जी कर रहे हो अच्छा। मैं कि इतनी बड़ी बात हो गई एंड यू आर टेकिंग बियर, अच्छा वो पीते नहीं, लेकिन दैट डे एक एक सिप मारते थे कभी कभी। एंड ही सेड, तू चिंता मत कर, गुरु जी जो कर रहे हो ठीक कर, मैं तुम पागल हो। एक्चुअली आई सेड, मैंने तुम पागल हो, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस दिन के बाद आई रियलाइज्ड, कुछ टाइम के बाद आपके थॉट्स, विश्वास कुछ होता है। एंड आई सैल्यूट हिज विश्वास टूवर्ड्स हिज गुरु, एंड आई ऑलवेज सैल्यूट दैट विश्वास। अब हमारी दोनों की कभी बिजनेस को लेके बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहता हूँ यार ऐसा भी प्रॉब्लम आ गई है, वो कहता है गुरु जी सब ठीक कर रहे हैं, चिंता मत कर। मैं कि गुरु जी ठीक नहीं करते, कि मैं आपसे आगे बढ़ गया,
एक स्टेप में आगे बढ़ चुका हूं, मैं कह रहा हूं गुरु जी जो भी कर रहे हैं ना वो ठीक कर, और ठीक करेंगे नहीं जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनकी हमारी ये चोंच ढीली रहती है थी। बिजनेस में डाउनफॉल आया, मैं गया बहुत प्रॉब्लम में, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत बुरी हालत है, लेकिन इसकी चिंता मत कर गुरु जी सब ठीक कर, मैं यही तो फर्क आ गया, मैंने तुमसे ही पढ़ के अब ये बोल रहा हूं कि गुरु जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। सो विद दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी वी लव अवर गुरु, वी ऑल लव अवर गुरु। गुरु क्या एक बहुत कम लोगों में मैंने इतना विश्वास देखा, एंड आई सैल्यूट हिम एंड गुरु जी को बहुत शुक्राना, धन्यवाद जय गुरु जी। जय गुरु जी। शंकर जी, शंकर जी मेरे को 16 दिसंबर को गुरु जी महाराज ने तीन दर्शन में ये कहा था, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। शंकर जी मेरे को गुरु जी महाराज ने 16 दिसंबर पिछले साल तीन दर्शन में ये बताते हैं कि पाटिया जी का सत्संग क्यों नहीं हो रहा। मैंने बताया कि वो दो तीन महीने से मेलबर्न में है, अभी जब आएंगे तो ऑलरेडी मेरी बात होती रहती है उनसे, जब आएंगे तो चेक करेंगे। नहीं नहीं पाटिया कभी तो है, उन्होंने कॉल करो कंडीशन कराओ। ठीक है जी, अगर जी कोशिश है, मैंने 16 तारीख को 10-11 बजे पाटी जी फोन किया था, बड़े हंसे बड़े हंसे, कहते हैं क्या गुरु जी ने, मैं क्या हिंदी गुरु जी ने क्या कितने सत्संग कर करनी देख लो, मैं कहते नहीं नहीं गुरु जी कभी करनी अंकल, क्योंकि 17 दिसंबर को अंकल मान गए कि मैं शाम को संगीत करूंगा, और 17 दिसंबर को अंकल जी के लास्ट सत्संग था मेरे ग्रुप पे रोमटन फॉर्म पे, तो हम लोगों ने बहुत बात सुना हुआ संगत पिछले 2 दिनों में, तो बस गुरु जी महाराज ने हो सकता है वो सत्संग करवाना था उनसे, वो बहुत अच्छे कैपेसिटी दे गए। तो संगत जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि भारतीय अंकल का जो लास्ट सत्संग है वो सब आप शेयर करके इनको सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगा, जस्ट एक छोटा सा मैसेज है सबके लिए। आई कैन सी कि जो बैक सीट से बैठे हैं सारे बड़े हैं, मेरे फादर जो उनसे बड़ी उम्र के, आगे जो बैठे हैं काफी सारे यंगस्टर्स हैं। एक्चुअली आई लॉस्ट माय मॉम एट अ वेरी अर्ली एज, लाइक उनको गए 11-12 साल हो गए, और आई कैन फील द पेन कि भाटिया फैमिली इस वक्त किस दौर से गुजर रही है, और they must be broken. Uncle was definitely a wonderful person. Takeaway जब भी मैं किसी commission जाता है, कहीं जाता हूँ, तो मैं feel करता हूँ कि time ही निकल जाता है और बहुत सारी बातें मन में रह जाती हैं। तो मेरी request youngsters से रहेगी, खासतौर पर लड़कों से, जो काफी सारी बातें होती है हम लड़के बोल नहीं पाते अपने फादर के साथ, राइट, इमोशनली फादर जो होते हैं वो जिंदगी अपनी लगा देते हैं बच्चों को बनाने में, उनको बड़ा करने में। मेरे फादर ने भी तिनका तिनका इकट्ठा करके मुझे डॉक्टर बनाया, सब कुछ करा, बट हम लोग बोल नहीं पाते कभी बातें, यंगस्टर्स होते हैं और अपना एक रास्ता ढूंढते हैं। सेम फादर्स के साथ भी होता है कि थोड़ा एक मेल ईगो ट्रबल आती है और बात नहीं हो पाती। मम्मी से अच्छी बात सबकी हो जाती है, अनफॉर्चुनेट मम्मी से लास्ट टाइम में बातें नहीं कर पाया, क्योंकि उनको बताना चाहता नहीं था कि मैं आपको ठीक नहीं करा पाया। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़ों से कि आप अगर बच्चे शुरू नहीं करते हैं तो एक बार प्लीज उनसे बात कीजिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। यंगस्टर से मैं ये कहूंगा कि सच में वक्त का नहीं पता कि कौन सा पल आखिरी हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़का और फादर के बेटे का जो एक क्या है उसको पक्का हम ब्रिज करें। प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे। संगीत जी, आप भाटिया आंटी हमारे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले अभी चाय प्रसाद नहीं सर्व होगा, ये गुरु जी का चाय प्रसाद है, हम सत्संग नहीं आए, हम गुरु जी की शरण में भाटिया अंकल के लिए आए हैं, लेकिन ये सत्संग ही है, गुरु जी विराजमान है और सब संगत चाय प्रसाद लेके जाए, प्रेसिंग लेके जाए।
और मैं आंटी को बुलाऊंगा। देखो सतगुरु हुए दयाल ते श्रद्धा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ते कभी ना छूए। मैं आंटी मेरे पे चिड़ेंगे लेकिन मैं रह नहीं पाता। मैं सबको कहता हूँ, मैं प्रमाण से कहता हूँ कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पहाड़ों में सिद्धों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, पंडितों के साथ, साधुओं के साथ निकाल दी। लेकिन मैंने कभी अगर कोई साक्षात संत देखा है तो मैंने आंटी। आज आंटी, आज आंटी हमारे सबको ब्लेस करेंगे गुरु जी की कृपा से। और आप प्लीज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनें। और आंटी की बहुत अभी लंबी सेवा बाकी है। आप में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आंटी के सत्संग सुने होंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ उनके सत्संग की वजह से खड़ा हूँ। और हम सबकी जैसे वो हमें बल देते आए हैं, गुरु जी की कृपा से देते आए हैं, वो नहीं मानते, बहुत हम्बल है। आज उनको हमारे बल की भी जरूरत है गुरु जी की कृपा से। तो आप सब स्ट्रांग रहें, उनके पास आए हर करें, लेकिन उन्हें कमजोर मत करें, क्योंकि अगर आंटी खड़ी रहेगी तो संगत खड़ी रहेगी। तो आंटी हो गए, भाटिया अंकल हो गए, रविंद्र भाटिया, ये पुरानी संगत है, इन्होंने गुरु जी के साथ समय गुजारा है। पिन ड्रॉप साइलेंस करके आंटी की सुने। आंटी सॉरी, गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की पहली संगत का बहुत बस मुझे नहीं पता मुझे को बोलना है। मैं बोल पाऊंगी कि गुरु जी मुझे हिम्मत दे। गुरु जी के पास जब मैं आई तो मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ नहीं था मेरी पहले। और वो मुझे बुला रहे थे कि कलंबो वाली नू लिया, कलंबो वाली कजिन नू लिया, कलंबो में रहते कभी बनो माई सासन। तो मैंने खाना था कि एक मनुष्य को मैं भगवान नहीं मान सकती, वो मेरे जिंदगी का लास्ट दिन हो। लेकिन आज इस मौके पे अगर मैं खड़े होके गुरु जी मुझे बुलवा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा उसको मिरेकल बोलो, चमत्कार बोलो, ब्लेसिंग बोलो, जो जिसको जैसे समझे होगा वो भगवान। भगवान ने मेरे पति को अपने पास रखा है और वो बार बार कहते थे मैं गुरु जी के पास जाऊं। गुरु जी के पास जब मैं आई तो गुरु जी ने मुझे थोड़ा दिन में ही बोला कि आंटी तू श्रद्धा के पास हो गई। मैं हैरान होकर उनको देखती थी। मैं कहती थी गुरु जी मैं तो आने ही नहीं चाहती थी आपके पास, और आप कौन हो क्या हो मुझे नहीं मालूम, बट मैं श्रद्धा तो मेरे पास ए वर्ड भी नहीं है श्रद्धा का, श्रद्धा कैसे आ गई मेरे अंदर। फिर थोड़े दिन बाद अगेन गुरु जी सर भाटी आंटी तू मेरी और बड़ी भक्त बनेगी। देन अगेन आई ब्लैंक होके मैं उनकी तरफ देखती थी कि मैं भक्त कैसे हो सकती हूँ, मैं तो आपके पास आने नहीं चाहती, मैं क्यों आ रही हूँ मुझे नहीं मालूम, मेरा हस्बैंड आ रहा है मैं आ रही हूँ, हम रुक नहीं पा रहे आपके बगैर। हम डेली सिवाई 40s में उनका कुछ नहीं सोचता था, हम कहीं नहीं जाते थे। फर्स्ट कजिन की शादी होती कुछ होता हम उनको फटाफट गुरु जी के पास जाते फिर उनको एनवेलप पकड़ाते वापस गुरु जी के यहाँ रखते थे। मेरी बहुत कजिन्स हैं जो कोलंबो में हम लोगों को पास भी आई थी, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, उन्होंने हमारे लाइफ स्टाइल देखा और वो मुझे कहती थी कि तूने इंडिया आके हम सबको जोड़ा मिला है, और लंच डिनर पिकनिक करते थे हम लोग, खूब इंजॉय करते थे। और अचानक तू कहाँ ये जाने लगे और कहीं नहीं आती हमसे मिलती नहीं, पता नहीं क्या था मुझे आज भी नहीं मालूम मैं वहाँ क्यों जाती थी। देन गुरु जी सेड कि मैंने देखो मोक्ष दे दी, मुझे मोक्ष नहीं पता थी, हम दोनों को बोला तुम दोनों को मोक्ष देखी है। फिर बोला कि मोक्ष का मतलब होता है जन्मों के कर्म काटना, मैं तेरे 90% इरेज कर दूंगा, तेरे से तपस्या कराऊंगा, 10% जो है वो भी बहुत मुश्किल होंगे पर मैं उसको भी काट दूंगा। देन गुरु जी वन डे सेड अंकल भी श्रद्धा में पास हो गया।
तो मुझे नहीं समझ आया, गुजर गया, गुरु जी चले गए। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे लेटी थी कि सतगुरु मेरे मेरे से शब्द मेरा पूरा चलने लग गया। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तो कबो न चूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख न जानी है, सतगुरु होए दयाल तो भगन मानी है, सतगुरु होए दयाल तो जमदा डर गया, सतगुरु होए दयाल तो सत समझी। करते करते लेटे हुए सोचते सोचते, अरे गुरु जी ये तो मेरी जिंदगी में आपने सब कुछ दे दिया, मुझे मुझे दुख भी दिया और मुझे दुख का पता भी नहीं लगने दिया, मुझे खड़ा कर दिया और अब लगता ही नहीं वो कोई दुख था जो आपके चरणों में बैठ के आपने मुझे दिए। हमारा बिजनेस नीचे आया, हम लोग बिल्कुल ही ऐसे इनसिक्योर होने लग गए थे, तो वी हैड मनी वी हैड एवरीथिंग, बट इनसिक्योरिटी जो आ जाती है वो आ चुकी थी। बट गुरु जी ने उस चीज को बाहर निकाला और एक चीज बोली कि जब मैं बहुत इनसिक्योर फील करती थी कि तू ना खर्ची जा, तू खर्ची क्यों, तू अपने उठते खर्चना क्यों बंद कर देता, मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने गुरु जी की तरफ क्वेश्चन किया कि गुरु जी पहले मेरे पास तीन चार ऑलवेज डोमेस्टिक हेल्प होती थी परमानेंट वाली, मैं धीरे धीरे सबको निकाल के मैं पार्ट टाइम लग गया कि मेरे पास इनसिक्योरिटी थी। सो देन गुरु जी सेड तू खर्चना बंद कर देता। फिर एक कन्ना अंकल है जो आज यहाँ प्रेजेंट है, भाटिया अंकल के बहुत पुराने दोस्त बहुत सारे आए, वो आए वहां पर खड़े थे, दोनों गारमेंट बिजनेस में थे। तो गुरु जी कहते हैं दोनों का बिजनेस एक ही सी है, एक ही है। तो मैंने कहा कि गुरु जी दोनों इको बिजनेस है, सीधा अंकल का हैगा, पार्टी अंकल का नहीं है बिजनेस, तो पार्टी अंकल कुछ नहीं करते। देन गुरु जी अगेन रिपीटेड कि भाई दोनों दोस्त है, दोनों इको ही बिजनेस में चले। तो मैंने अगेन गुरु जी को काटा कि नहीं गुरु जी, जैसे गुरु जी एक बच्चा है और मैं उनको समझा रही हूँ कि नहीं गुरु जी अंकल कुछ नहीं करते। तो कहते हैं आंटी मैं तेन कितनी बार क्या कि तुम खर्ची जा, तेरा मुकूगा नहीं और एनो काम करने की जरूरत नहीं है। संगत जी ये एक ऐसा चमत्कार है मेरी लाइफ का कि इनकमिंग नहीं है और मुझे कहते हैं तू खर्ची जा और अंकल नु काम करने दे और तेरा मुकूगा नहीं, वो उन्होंने करके दिया। दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उन्होंने करके दिखाई और हमको इतना कुछ दिया गुरु जी ने, जो हम लोग यहाँ थे वही लेवल वापस मिला गुरु जी लेकर आए। ये खाली ईश्वर कर सकते हैं। सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तो कबहू न चूरी है। मुझे चूरी का मतलब यही पता था जब भी मैं सत्संग किया था। तो ये मंजोत अंकल गुरबानी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इनको गुरु जी के पिंडुगरी से हैं और अपनी मदर को कहते हैं, एक दिन मैं सत्संग शेयर कर रही थी, कहते हैं पार्टी आंटी को पता ही नहीं होना चूरिए की होता है, तो वाकई में मुझे नहीं पता। देन ही एक्सप्लेन मी चूरिए मींस टूटने नहीं दे कि नेवर एवर, लाइक मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, लाइक प्रॉब्लम्स तो ऐसे सबकी लाइफ में आती है, बट गुरुजी ने उनसे निकाला उन लोगों को। और एक जो जमदा डर गया, जमदा डर गया मतलब आपको मरने का डर खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाट माय हस्बैंड इज, उसने कभी नहीं डरा मरने से, कुछ नहीं आऊंगा, तू देखियो मैं एक चटकी में जाऊ। तो मत खाओ चने भटूरे, चने भटूरे खाए हैं जब चल संगे आगे को आलू की टिक्की मोला दे पुरानी जगह का, यू नेम इट, फरीदाबाद में मेरे संगी रहते हैं, उनको वहां की गलियों में क्या बेस्ट मिलता है वो उनको पता है। तो आज मैं ये खाऊंगा और उन्हें जब भी बुलाना मेरे को
हमें करते हैं। कहते एक दिन मैं दो चीजें खा ली, तीन चीजें खा ली, तीन चीजें खाओगे तो आपके बीपी कोलेस्ट्रॉल, जैसे अंकल ने बताया, अगर आप उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो धुनिया हिल जाती। मेरी बहू इडनी, मैं इसको बहू नहीं कहती, बेटी कहती हूँ, हमेशा कहती थी कि बेटा, दोनों हम दोनों ही, हम लोग घर में हम ही होते थे कि मम्मा ये तो पापा को ब्लेसिंग्स, और कोई वो कि नानी ने बड़ा सफर किया एक खाली शुगर में इतने सालों, वो कहते ये तो इसको, इनको तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, हम लोगों को इनको छोड़ देना चाहिए। इनको बोल ये गुरु जी की ब्लेसिंग से जिंदा है, और वाकई में वो मरने से नहीं डरते। और कोई चीज मैंने खुद अपनी लाइफ में फील की, जब मुझे कैंसर आया मेरी लाइफ में, और मैंने कहा गुरु जी अब मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं आपके पास आ रही हूँ और मुझे आपके पास ही आना है और मुझे डर नहीं है मरने का, बट मुझे एक चीज मेरे को थॉट आया कि मेरे बाल गिर जाए जो गुरु जी ने ब्लेस किए थे, तो गुरु जी ने मेरा एक भी बाल गिरने नहीं दिया, मुझे कोई कीमो नहीं होने दी। मेरा थर्ड स्टेज कैंसर था, थर्ड टू फोर्थ टूवर्ड्स जा रहा था, 5.5 साल पुराना कैंसर डायग्नोज हुआ था, 5.5 साल पहले था, और गुरु जी ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। अगर मुझे वायरल होता तो वो ज्यादा पेनफुल होता, ऐसा गुरु जी मुझसे सत्संग करवा रहे करते थे। और एक दिन मैं सोच रही थी कि गुरु जी ये सच है क्या कि अगर मुझे वायरल होता कैंसर से पेनफुल होता, कैंसर तो मुझे पता ही नहीं लगने दिया आपने। कि आप ये मुझे क्यों बुलवाते हो कि कैंसर तो कैंसर है, और मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई, वहां के डॉक्टर से हैरान, मेरा ऑस्ट्रेलिया में ट्रीटमेंट कराया गुरु जी ने, मैं नहीं कराना चाहती थी, बहुत कैसा है। लेकिन ये मेरी प्यारी बेटी किडनी ने बोला, मम्मी पापा ने जिंदगी भर कमाया इसलिए कमाया इसलिए कि बेस्ट टू बेस्ट प्लेस पे बैठे हो और बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट है वहीं से कराओगे। और मैं नहीं मान रही थी, पर करोना हो गया, करोना से सारी फ्लाइट सी हो गई, भावना दूसरी मेरी बेटी, वो मेरी पहली बेटी है, ये मेरी दूसरी बेटी है, क्योंकि तो मैं अपनी पहली बेटी के साथ रहती हूँ, दूसरी बेटी तो दूर रहती है। तो उसने मुझे बोला, मामा मैं कमा रही हूँ, डरने की कोई, मैं आपको जाने नहीं। और गुरु जी ने मेरा ट्रीटमेंट कराया, फिर मेरा भाई के साथ गुरु जी ने सत्संग शेयर कराया, बिजनेस स्टार्ट कराया, हम दोनों को जोड़ा जो हम 20 साल से पिछड़े हुए थे, हमारी फैमिली जोड़ी, खुशियां दी, आज हम सब इतने खुश हैं और अंकल इतने खुश हैं कि कि हम सब हर एक को याद करते हैं, प्यार देते हैं सबको। और फिर आज गुरुजी ने उनको, मुझे कहते थे तू ना मत घबराया कर, मैं लड़ती भी थी एक दो बार, बहुत उन तक मैं कुछ गलत भी बोलती थी कि ऐसे नहीं होता, संगत की कितनी संगत है गुरुजी की, कितने पुराने लोग हैं गुरुजी से जुड़े, कितने लोग हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं, कितने दिन सफर करते हैं, वेंटिलेटर्स पे जाते हैं, वो आप हम सब हमको वो ही दिन दिखाओ जैसा आप चल रहे हो। कहते हैं मार्क माय वर्ड्स, ना मैं मुझे तकलीफ होगी गुरु जी मुझे होने देंगे, ना मैं तुम लोगों को होने दूंगा। और हम हंसते थे ऐसा होता है क्या, इतनी बदपरहेजियों में गुरु जी आपको माफ कर देंगे, ऐसे नहीं होता, आप उनकी ब्लेसिंग को मिस यूज करते हो। वही हुआ, उनको झटके में गुरु जी ले गए, उनको बिल्कुल नहीं कोई तकलीफ हुई, ना उन्होंने किसी से सेवा ली। मेरा बेटा उस दिन मुझे बिठा के जब मैं आई, कहता मम्मा पापा का वचन कितना सच निकला, अब ये सोचो कि कितना गुरु जी का फेथ, गुरु जी का उनका फेथ गुरु जी उनको बचा कर लेता है।
उनको निकाल के लेके आए। मैं कितना भी शुक्राना करूं अपने गुरु का, अपने परिवार का, अपने प्यारे हस्बैंड का, जिससे मैं लड़ती थी, आज मुझे अभी यही है वो गुरु जी के पास में, गुरु जी के चरणों में। उनकी हल की वजह से मैं लड़ती थी और हमारे बीच में कोई लड़ाई, हल के पीछे बहुत मैं उल्टा सीधा बोल जाती थी कि गुरु जी को ओनली फेम करोगे आप, साई संगत को क्या दिखाओगे कि आप भक्तों के और आपको इतनी प्रॉब्लम दी, गुरु जी मेरा डिफेम होगा। तो इस बात के लिए मेरी उनसे झगड़ा होगा। आज मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि उनका इतना गूढ़, इतना दृढ़ विश्वास मैंने नहीं देखा, किसी में नहीं देखा। मैं अपने को गुरु जी चाहे मुझे बोल गए तो मेरी बहुत बड़ी भक्त बनेगी, मैं नहीं हूँ जितने वो है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु। संगत जी, आप सबका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। We thank all of you, each one of you. अभी पवित्र रस्म होगी और उसके बाद प्लीज, जैसे आप इतने प्यार से सत्संग सुने हैं और ऐसे ही इंटर ऑफ साइलेंस में प्लीज चाय प्रसाद लेके जाएं और कोशिश करें कि परिवार को मिले, सब आए यहाँ पे। लेकिन मथुरा अंकल के लिए, गुरु जी के लिए, भाटी आंटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, इमोशंस को थोड़ा कंटेन करके।